बेसिक मैथ लेक्चर नंबर 12, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कालब की अकसाम, और आज जो कालब की हम टाइप डिस्कस करेंगे वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 के इक्वल हैं, यानी इसके वितर के तमाम एलिमेंट जो हैं वो 1 होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से ज़ाहिर किया जाता है। हमारे पास नीचे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स दिया गया है, अगर इसको हम देखें तो इसके डायगोनल के अंदर तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 1 हैं, यानी इसके वितर के तमाम एलिमेंट्स 1 हैं और इसके तमाम गैर वितरी अरकान यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 हैं। और ये हमारे पास एक 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरीके से नीचे हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को अगर हम गौर से देखें तो इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो 1 1 हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली एक 2x2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इन दोनों मिसालों से हमें वाजे होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स ही है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 होते हैं। और इसमें फ़र्क सिर्फ मतलब इस चीज़ का है कि डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स 1 के ही इक्वल होते हैं। ये हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो सीरीज़ का लास्ट लेक्चर था, और आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स वेरी मच फॉर योर अटेंशन। और इस किस्म के वीडियो लेक्चर को मज़ीद बेहतर करने के लिए मुझे अपने कमेंट्स दें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।